लॉकडाउन का पालन कराने को पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों ने लिया मोटरसाइकिल का लिया सहारा। बिना वर्दी बिना किसी सुरक्षा गार्ड के कस्बे के बाजारों की सड़कों पर बाइक पर बैठ किया निरीक्षण। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर की कार्रवाई। कस्बे के दुकानदारों में मचा हड़कंप। अवैध रूप से दुकानें खोलकर बैठे दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर हुए फरार। मामला हाथरस जिले की कोतवाली सादाबाद का है, जहां कोतवाली प्रभारी जगदीश चंद्र और एसडीएम राजेश कुमार स्वयं बाइक लेकर बाजार में निकले और जो दुकानें खुली हुई थी, जो सरकार के निर्देशों के बावजूद भी दुकानें खुली जा रही थी, इनकी शिकायत लगातार प्रशासन को मिल रही थी, लेकिन दुकानदार लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे थे, दुकानों को खोलने से बाज नहीं आ रहे थे, जिनको लेकर एसडीएम सादाबाद राजेश कुमार व कोतवाल जगदीश चंद्र ने नगर के बाजारों में बाइक से घूमकर अवैध तरीके से जो दुकानदार दुकान को खोलकर बैठे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया गया। दुकानदारों का तरीका था कि प्रशासन को देखते ही दुकान बंद कर लेते थे। राजेश कुमार ने कोतवाल के साथ जाकर दुकानदारों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई है। संवाददाता रंजीत कुमार की रिपोर्ट। सादाबाद कोतवाली पुलिस व प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। कई दिन से एसडीएम सादाबाद को सूचनाएं मिल रही है कि बाजार में जो अनावश्यक रूप से दुकानें खोलते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। इसको देखते हुए एसडीएम सादाबाद द्वारा आज बाइक पर सवार होकर कोतवाल और एसडीएम दोनों बाइक पर सवार होकर बाजार में निकले और जो अनियमित रूप से दुकानें खोल रखी थी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। कई दुकानदारों को हिरासत में लिया गया है। कई कपड़े की दुकानें जो पूरी तरह खुली हुई थी, जिनको पकड़कर खड़े लाया गया है। करीब आधा दर्जन दुकानों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है। रंजीत कुमार, इंडियन समाचार, हाथरस। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल इंडियन समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे।